हेलो दोस्तों, आज मैं जयप्रकाश अग्रवाल, डीजीएम बीएससीएस इमरा पावर लिमिटेड, आपके समक्ष लेके आया हूं अपने वीडियो की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के बारे में। आप हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो कई बार वो डिफिकल्टी का सामना करते हैं अकाउंट्स रिलेटेड चीजों को समझने में। जैसे कि कई बार कुछ खर्चों को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में रखना है, या कई बार वो टैक्सेशन संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला, कि किन खर्चों को हम ऑपरेशनल खर्चा माने और किन खर्चों को कैपेक्स माने। दूसरा, हम किन खर्चों पर या किस आइटम पर हम टीडीएस काटें, किस आइटम पर हम टीडीएस ना काटें। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं खर्चों के कैटेगराइजेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे खर्चे करते हैं, बहुत सारे आइटम खरीदते हैं, तो जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम आइटम खरीदते हैं, उनको दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है कैपेक्स और दूसरी कैटेगरी होती है ओपेक्स। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा। ओपेक्स मींस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, आयगत खर्चा। जब हम बात कैपेक्स की करते हैं तो कैपेक्स का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक से ज्यादा वित्तीय वर्षों के लिए फायदा दे। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा मिले, ऐसे खर्चों को हमें कैपेक्स एक्सपेंडिचर के रूप में, पूंजीगत खर्चों के रूप में करना चाहिए। और कोई भी ऐसा खर्चा जिसका फायदा हमें केवल उस वित्तीय वर्ष में ही मिले, ऐसे खर्चों को हमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के रूप में लिखना चाहिए। अब बात यह आती है कि हमें खर्चों को ओपेक्स या कैपेक्स में बांटने की जरूरत क्या है? क्यों हम खर्चों को ओपेक्स या कैपेक्स के रूप में वर्गीकृत करें? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी कंपनी एक रेगुलेटेड कंपनी है। रेगुलेटेड कंपनी मतलब हमारी कंपनी विनियमित होती है एक संस्था के द्वारा, जिसका आप सभी लोगों को पता है, डीईआरसी। तो डीईआरसी ने पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे, दोनों खर्चों के ट्रीटमेंट में अलग अलग नियम बनाए हैं। तो अगर हम सही तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो हमें जो हमारा टैरिफ मिलना चाहिए वो टैरिफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो खर्चा हमारा पूंजीगत खर्चा हो, वो खर्चा हम पूंजीगत खर्चे के रूप में लिखें, और जो खर्चा हमारा आयगत खर्चा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो, हम उसके रूप में उसे लिखें। अब हम किस तरीके से खर्चों को आयगत या पूंजीगत, ऑपरेशनल या कैपेक्स के रूप में दिखाते हैं, इसके समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए हम एक स्कीम वर्ड यूज करते हैं, हम एक स्कीम बनाते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी खर्चा हम, जो खर्चा में एक साल से ज्यादा फायदा दे, उस खर्चे को हम कैपेक्स के रूप में, एक स्कीम के रूप में बुक करें, और जो खर्चा हमारा एक साल, केवल उसी साल में फायदा देगा, उसी साल में हमारे लिए उपयोगी होगा, उस खर्चे को हम ओपेक्स के रूप में उपयोग करें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, ताकि हम समझ पाए कि कैपेक्स क्या होता है और ओपेक्स क्या होता है। ज-
जैसे कि हम बात करते हैं सैलरी फॉर द पीपल एंगेज्ड इन मीटर इंस्टॉलेशन। अब दोस्तों मीटर हमारे लिए कितने दिन काम आता है? एक कंज्यूमर का मीटर जब मैं लगाता हूं तो मैं सोचता हूं कि कंज्यूमर का मीटर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलेगा। अगर कंज्यूमर का मीटर 4 साल 5 साल चलता है तो उसमें जो मैंने वेजेस खर्च की उसको लगाने में, उसका फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा। तो ये कौन सा खर्चा हुआ, आयगत खर्चा या पूंजीगत खर्चा, कैपेक्स या ओपेक्स? तो आप अगर सोचेंगे चूंकि ये खर्चा मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है इसलिए क्या होगा, कैपेक्स होगा। तो उसको मुझे कहां पे कैटेगराइज करना पड़ेगा, कैपेक्स के रूप में। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हाउसकीपिंग में काम करने वाले भाइयों की वेजेस के बारे में, तो हाउसकीपिंग की वेजेस, एक हाउसकीपिंग वाला बंदा अगर काम करता है तो वो जिस महीने काम करता है उस महीने की सैलरी के बाद उसका फायदा हमें उस महीने की सैलरी के रूप में, उस महीने के काम के रूप में मिला है, उसका फायदा हमें आगे नहीं मिलेगा क्योंकि आगे हमें दोबारा हाउसकीपिंग करानी पड़ेगी। तो वो कौन सा खर्चा हुआ, आयगत खर्चा। सिमिलरली एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक घड़ी खरीदी आपके अपने ऑफिस के लिए, तो वो घड़ी मेरी 4 साल चलेगी, तो कैसा खर्चा होगा दोस्तों, वो ओपेक्स होगा या कैपेक्स होगा, ओपेक्स होगा या कैपेक्स होगा, कैपेक्स होगा। अब कई जगह एक प्रश्न आता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मेरे 3 से 4 साल या 5 साल मेरे उपयोग में आएंगे, लेकिन तब भी उन खर्चों को मैं ओपेक्स के रूप में लिखता हूं। तो इसको समझने के लिए मुझे यह ध्यान देना होगा कि अगर मेरी मशीन है और उसका कोई स्पेयर है, वो स्पेयर हटा के खराब हो गया और उस स्पेयर को हटा के अगर मैं नया स्पेयर लगा रहा हूं तो उस स्पेयर की जो खर्चा है वो स्पेयर का खर्चा मेरा ओपेक्स में ही गिना जाएगा, क्योंकि एक पुराना जो मेरा पुर्जा था वो खराब हो गया और उसकी जगह मैंने नया पुर्जा लगाया है, इससे मेरे को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला। तो जो भी मेरे स्पेयर के खर्चे होते हैं उसमें मुझे देखना होता है कि क्या उस खर्चे के करने से क्या मेरी कोई कैपेबिलिटी में, मेरी मशीन की क्षमता में कोई वृद्धि हुई या मुझे उससे कोई अतिरिक्त लाभ मिला। अगर मुझे उससे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है तो मैं उसे ओपेक्स के रूप में ही लिखूंगा। मेरा मानना है कि आप ओपेक्स और कैपेक्स के बारे में कुछ समझ चुके होंगे। यदि आप सभी लोगों को ओपेक्स या कैपेक्स के रूप में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप हमें अपनी क्वेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं और हम उसका यथावत आपको आंसर देंगे। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, टीडीएस की। क्या होता है दोस्तों टीडीएस? आप सभी लोग हम काम करते हैं तो आपकी सैलरी में से कुछ पैसा सरकार के पास जमा कर लिया जाता है, कुछ पैसा कंपनी काट लेती है और वो सरकार के पास जमा करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं टीडीएस। टीडीएस क्यों लगाया जाता है? टीडीएस का लगाने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जैसे कमाओ वैसे ही अदा करो। सरकार इस नियम पे चलती है कि जैसे जैसे किसी आदमी को इनकम होती है वैसे वैसे ही वो टैक्स सरकार को अदा करता रहे और आखिर में अपनी एक रिटर्न फाइल करे कि उसको कितना पैसा टैक्स के रूप में देना है, कितना वो ऑलरेडी दे चुका है और बचा हुआ पैसा वो टैक्स रिटर्न के साथ जमा कर देता है। तो आप देखते होंगे कि कई बार आपको जो आपके वेंडर्स काम करते हैं उनके ऊपर भी एक टीडीएस का प्रोविजन लागू होते हैं। तो अगर हम आपके जितने भी वेंडर्स हमारी कंपनी में काम करते हैं उन सभी को टीडीएस प्रोविजन का पालन करना पड़ता है। तो टीडीएस के संबंध में अगर हम बात करें तो हमारे वेंडर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो वेंडर्स जो कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज दे रहे हैं, तो वेंडर्स प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज, और दूसरे वो वेंडर जो कि हमें प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं।
अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का और क्या मतलब होता है प्रोफेशनल सर्विसेज का। जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का मतलब होता है कि जहां पर वो आपको लेबर सप्लाई कर रहे हैं या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब होता है जहां पर वो कोई ऐसी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास एक विशेष कैपेबिलिटी या दक्षता या विशेष योग्यता की जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे कि जो वेंडर्स कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन पर TDS की रेट 2% या 1% होती है, और जो वेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन पर TDS की रेट 10% होती है। अब ये रेट डिफरेंट क्यों होते हैं, यह भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो आदमी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जनरली वो उस सर्विस को प्रोवाइड करने में काफी बड़ा खर्चा करता है और उसकी लाभ की मात्रा कम होती है। तो चूंकि उसके लाभ की मात्रा कम होती है इसलिए उससे कम दर पे टैक्स लिया जाता है, कम दर पे TDS काटा जाता है, और जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लाभ की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए उस पर ज्यादा दर से TDS काटा जाता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैन पावर सप्लायर, तो ये कौन सी सर्विसेज आएंगी? मैन पावर सप्लायर, एक आदमी मैन पावर सप्लायर कर रहा है और मैन पावर सप्लाई करने के लिए उसे आगे वेतन भी देना पड़ता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करता है, तो ये कवर होगा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक व्यक्ति के पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, एक विशेष दक्षता होनी चाहिए, तो ये कौन सी सर्विसेज में कवर होगा? वेंडर्स प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आर्किटेक्ट सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके पास एक विशेष कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए कहां पे कवर होगा? वेंडर्स प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। फोटोग्राफी सर्विसेज, अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगा और कुछ लोग कहते हैं कि फोटोग्राफी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में आएगा। बट CBDT एक संस्था है तो उसके प्रावधानों के अनुसार हम इसे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में कवर करते हैं। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि आप TDS संबंधी बेसिक प्रोविजन को, कि TDS क्यों काटा जाता है, किस तरीके से TDS की दर निर्धारित की जाती है, उसके संबंध में आप समझ गए होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और हम आपको उसको व्यक्तिगत रूप से आपको उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।